अस्सलाम वालेकुम जी पाकपतन। वालेकुम सलाम सर, मेरा है, मैं अपना नाम बता चुकी हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह। सर मेरे 3.5 साल हो गए शादी को। जी माशाल्लाह सर, बेटी भी है। घर में सुकून नहीं है, मतलब ना शौहर सुनता है और ससुराल वालों की, वो खुद मतलब अपने मेके वालों की खुद भी सुनता है। मेरे मेके वालों का कोई अच्छा भी नहीं समझता ना, वो उधर जाने देता है। अच्छा मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, पाकपतन इतना अच्छा और इतना सुलझा हुआ शहर है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में आप एक उस्तानी बन के आई हैं और आपने सबको सब कुछ बताना है कि वो कैसा करे और कैसा रहे, किसकी सुने किसकी ना सुने, ये आपने क्यों करना है? सर वो मुझे लगता है मुझे ठीक ही नहीं समझता। नहीं ठीक नहीं समझता से क्या मतलब है? सर बस थोड़ा बहुत तल्लुक है उसके साथ, कि वो मेरा नहीं है बस। देखो मेरी प्यारी बेटी, ये बात जो है ना, क्योंकि सारी बच्चियाँ सुन रही हैं इसलिए कह रहा हूँ, दिल जीतना जो है ना ये खातून का काम। अगर खातून ये कहे ना कि मेरा शौहर मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो मैं तमाम तर मुनाफ़कत के बावजूद ये कैसे कहूँ कि बीबी तू तो ठीक है वो गलत है, मैं कैसे कहूँ ये बात? ये तवज्जो हासिल करना आपका काम, लेकिन जब आप इतनी ज़्यादा ख़ानदानी सियासत में पड़ जाएंगी कि कौन किससे बात करता है, कौन किसको तवज्जो देता है, वो उससे यूँ क्यों रखता है, आपकी शादी होकर आई है, आपकी बेटी है, आपको खानदानी सियासत में पढ़ने की जरूरत क्या है? अपने घर में अगर तुम अपनी बेटी की तरबियत और शौहर की खुशहाली नहीं ला सकती, तो तुम्हें अपने गिरेबान में देखना है मेरे बच्चे। और ये मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, अस्तफार की तस्बीह शिद्दत से करो, शिद्दत से करो, शिद्दत से करो, हर वक्त अस्तफार की तस्बीह करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आनी, मुझे इस बात का भी पता है, लेकिन अस्तफार की तस्बीह पढ़नी है तुमने, और सिर्फ मुस्कुरा के लोगों की खिदमत करनी है। अगर तुम ये कर लो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब तरीन है।